नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों आज कुछ जो सीक्रेट फार्मूलेशन रहते हैं, जो लिक्विड डिटर्जेंट में, डिश वॉश में, डिटर्जेंट पाउडर में हम जहाँ तक यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के पास में अलग अलग फार्मूलेशन रहते हैं और वो उसको रिवील नहीं करते हैं, मतलब जानकारी नहीं देते हैं उस चीज़ की। मेरे जहाँ तक मुझे पता है, तो मेरे जहाँ तक बेसिक कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग हैं जो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जानकारी आप दे पाएँ, वो लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ पाएँ कि हाँ यह चीज़ सही है, चीज़ हमको काम आ सकती है। कोई फार्मूलेशन हो आपके पास में या कुछ भी चीज़ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कोई बेहतरीन वीडियो है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए आज की कुछ वार्तालाप, कुछ बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि लिक्विड डिटर्जेंट और डिश वॉश जैसा हम यूज़ करते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम आता है उसका कि हार्ड वाटर है और उसका पीएच मेंटेन हम बार बार तो कर नहीं सकते, एक्चुअली हम बार बार उसका टीडीएस चेक नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। तो पानी का जो टीडीएस रहता है उसको नॉर्मल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो मैं भी करता हूँ, कि डिश वॉश, हैंड वॉश या लिक्विड डिटर्जेंट को हम जब 100 किलो का बैच है या एग्ज़ाम्पल के लिए 10 किलो का बैच है, तो 1 या 2 लीटर आप हॉट वाटर को अच्छे से गर्म कर लीजिए, बिल्कुल उसको अच्छे से कड़क गर्म कर लीजिए, और उसको जो 10 लीटर का बैच है उसमें आप मिक्स कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, जो पानी का जो टीडीएस रहता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, जिससे मिक्सिंग प्रोसेस भी अच्छी होती है और जो जर्म्स रहते हैं पानी में वो भी थोड़े रहते हैं पानी के, वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों वार्म वाटर का यूज़ करिए, बेस्ट रहता है उसके लिए। और सेकेंडरी जो है कि जैसे हम डिश वॉश यूज़ करते हैं, हैंड वॉश और लिक्विड डिटर्जेंट, इन सब का प्रयोग करते हैं, तो हर चीज़ को आपने देखा होगा कि उसमें शेल्फ़ लाइफ होती है, हर एक प्रोडक्ट की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक शेल्फ़ लाइफ है, 6 महीने 12 महीने 2 साल 8 महीने 3 महीने, तो उसका जो शेल्फ़ लाइफ है, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ को जो एक पर्टिकुलर उसके लाइफ को बनाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो जो प्रिजर्वेटिव रहता है ना, प्रिजर्वेटिव जो रहते हैं वो एक्चुअली शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने का ही काम करते हैं, उसकी लाइफ को सिक्योर करके रखते हैं। तो प्रिजर्वेटिव में मैं आपको एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है जो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो प्रिजर्वेटिव बहुत सारे हैं, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें प्रिजर्वेटिव बताऊँगा आपको, ब्लॉकिंग एजेंट्स बताऊँगा कि केमिकल किस तरीके से लॉक होता है, हैंड वॉश, डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट को एक लॉक करते हैं एक ही टेम्परेचर पर, जो ताकि केमिकल रिएक्शन हो, ताकि बॉटल जो आप मार्केट में, आपके वहाँ से बॉटल आप मार्केट में निकालते हो, तो वो एज इट इज़ वो प्रोडक्ट जहाँ से बने वहाँ तक वो वैसा ही रहे कस्टमर के हाथ में जाने तक एज इट इज़। तो उसके लिए कुछ ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, किन किन तरह के प्रिजर्वेटिव आते हैं, किस किस तरह के ब्लॉकिंग एजेंट्स जो आते हैं, वो मैं सभी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, सभी के नाम बताऊंगा, सभी काम बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने पास में बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों इसमें एक मैं आपको प्रिजर्वेटिव बताऊंगा जो मिथाइल पैरावाइन होता है, आपको अमेज़ॉन पे या गूगल पे बहुत अच्छे तरीके से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, एक छोटा बॉक्स आता है मिथाइल पैरावाइन का एक टेस्टिंग के लिए, ताकि बड़ा बैच भी आप मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं, इंडिया मार्ट पे आपको सभी तरह के केमिकल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। मिथाइल पैरावाइन जो होता है वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जिसकी शेल्फ़ लाइफ वह बढ़ाता है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो प्रिजर्वेटिव की बात हो गई, और हमने टीडीएस पानी का भी अभी नॉर्मल कर लिया है, 2 टिप्स तो ये मैंने आपको दिए हैं, और आपके पास भी कोई टिप्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको रिवील कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में है हम आपके नाम के साथ में हम बताएंगे लोगों को कि भैया मतलब इन भाई साहब ने हमको ये सजेशन दिया जो आपके लिए भी लाभदायक है, इन्होंने बताया है कि यह बेस्ट होता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों और बेस्ट जो पीएच बैलेंसिंग की जो बेस्ट होती है वो तो आप सभी को पता है, जैसे ग्रीन 5 से 7 5 से 6 जो ग्रीन बेल्ट रहता है, लाइट ग्रीन रहता है, उसमें येलो पेपर, अगर पेपर एज इट इज़ है तो पीएच मेंटेन है, तो
पीएच तो जो रहता है 5 के 6 के समथिंग ये होना चाहिए। और इसमें जो एसिड्स जो रहते हैं जिसको आप एल्कलाइन कर सकते हैं पीएच लेवल करने के लिए, जो एसिड रहते हैं जैसे एग्जांपल एचसीएल एसिड है, एसिड स्लरी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है और ओरिएंटिक एसिड रहते हैं, तो ये जितने भी पाउडर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में एसिडिक रहते हैं जो एसिड्स हैं, इसको एल्कलाइन करने के लिए आप जैसे कास्टिक सोडे से एल्कलाइन कर सकते हैं, सोडा आइस से कर सकते हैं, सोडियम मेटासिलिकेट से कर सकते हैं। तो सोडा आइस, सोडियम मेटासिलिकेट, कास्टिक सोडे से, तो हम 95% लोग कास्टिक सोडे से ही पीएच को बैलेंस करते हैं एसिड स्लरी के साथ में। तो आप इससे, सोडा आइस से और सोडियम मेटासिलिकेट से भी एल्कलाइन इसको कर सकते हैं, बैलेंस इसका बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थर्ड टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। और भी दोस्तों एक और मैं आपको टिप्स बता दूं कि जैसे मैंने आपको जो वे ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में ही बताया था कि जो अल्ट्रा वायलेट्स ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, ये यूवी ब्लॉकिंग एजेंट्स बोला जाता है, अल्ट्रा वायलेट ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। और नीचे आप जाएंगे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। अल्ट्रा वायलेट ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं, गर्मी के दिनों में अगर हमारा लिक्विड डिटर्जेंट है, डिश वॉश है, ये मेल्ट होता है। आप बना के ट्राई करके देखना कि अगर अभी हीट पड़ रही हो कहीं भी खिड़की विड़की में, आप डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट बनाना, डिश वॉश बनाना और उसको खिड़की पर रख देना। अल्ट्रा वायलेट जो उसकी किरणें रहेंगी सूरज की, वो इस तरीके से पड़ती है कि केमिकल को ट्रांसपेरेंट कर देती है, मतलब आपका अगर कलरफुल केमिकल हो तो उसको सेपरेट कर देगी, कलर हवा में डाल जाएगा, केमिकल नीचे हो जाएगा, सेपरेशन मार जाएगा आपका केमिकल। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मुझे जहाँ तक लगता है, और वैसे 70-80% इसका उपयोग होता है, वो इथाइल एल्कोहल होता है। वो इथाइल एल्कोहल जो रहता है, यह जैसे सैनिटाइज़र में यूज़ होता है इथाइल एल्कोहल। और जो एल्कोहल जो यूज़ होता है सैनिटाइज़र में, तो आप इसको 1 लीटर में 1 ml यूज़ कर सकते हैं, एक ढक्कन बराबर का इसको यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर में। तो आपका अगर 100 किलो का बेच है तो आप उसमें 0.5 लीटर या 0.75 लीटर, 750 ग्राम या 1 लीटर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट के पहले यूज़ करिएगा, उसके बाद में फिर सॉल्ट के साथ में रिएक्शन दीजिएगा, इसलिए इसका उसके पहले यूज़ करिएगा, जिससे जो आपका जो एक ब्लॉक हो जाएगा, ये जो आपका केमिकल एक तरीके से एक लेवल पे, एक टेम्परेचर पे हमेशा ठंडा रहेगा और एक टेम्परेचर पे लॉक हो जाएगा। तो ये बेस्ट कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके लिए बताई है। तो दोस्तों आज के सेशन में कुछ इतनी जानकारी, और नेक्स्ट वीडियो में पाउडर टू लिक्विड के लाने वाला हूँ, जिस तरीके से आप कौन से पाउडर से लिक्विड फॉर्म में, डिश वॉश है, फ्लोर क्लीनर है, हैंड वॉश है, सभी आप पाउडर टू लिक्विड इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी मेरी वीडियोस आपके पास तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट एक बार और यही करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपके पास अगर कोई फॉर्मूलेशन है या कोई टिप्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी, मैं आपके रिजल्ट के साथ में, आपके नाम के साथ में आपको मैं बता दूंगा। और अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जो आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आपको व्हाट्सएप पर, ये मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर भी है, आप मुझे वो पार्सल एज ए सैम्पल आप भेज दीजिए, उसका पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दूंगा। बट केमिकल्स प्रोडक्ट हों जो कि बेस्ट रहेंगे आपके लिए भी, मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।